सिम्पसन कार्टून की एक और पेशगोई पूरी हुई जो आज से ठीक 15 साल पहले दिखाया गया था कि किस तरह दुनिया में तेल की मांग में कमी आएगी और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें गिर जाएंगी और अमेरिका में तेल की कीमत सिफर हो जाएगी। आज ये पेशगोई सच साबित हुई। आज अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें सिफर पर आ गईं। अमेरिका में तेल जमा करने के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं जिसकी वजह से हुकूमत ने तेल की कीमत सिफर कर दी है। क्या ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है या पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? कोरोना वायरस के पीछे क्या गेम खेली जा रही है? यहूदी अपने कौन से मकासद पूरे कर रहे हैं? इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़ा जाए, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया। दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दौरे फितन के बारे में आगाह कर दिया था। दुनिया में जितने भी अंबिया कराम आए हैं उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराया और इस दौर से पनाह मांगी। सिम्पसन कार्टून जिसको बनाने वाले यहूदी हैं, इस कार्टून का बानी मैट ग्रोइंग है जो एक बहुत बड़ा फ्री मैसन है। इस कार्टून सीरीज में दुनिया में जो भी वाकयात रोनुमा होते हैं उसके हवाले से पहले से दिखा दिया जाता है। दरअसल यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। 1979 में इस कार्टून सीरीज का आगाज़ हुआ और इसकी 680 के करीब इकसात हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ आयल मार्केट क्रैश कर गई। इस कार्टून सीरीज में 15 साल पहले अमेरिका में तेल की कीमत ज़ीरो होने की पेशनगोई कर दी गई थी। इस कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है कि एक कार्टून करेक्टर आता है और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और मशीन पर कीमत $0 लिखी हुई आती है। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। इसके बाद एक शख्स उससे मिलने आता है, वो भी तेल की कीमत देखकर चौंक जाता है। 15 साल पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा होगा। दोस्तों, इसराइल पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है जिसकी मदद अमेरिका कर रहा है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दौरे फितन से महफूज रखे और यहूदियों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दे, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।